हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके स्कॉलरशिप के बारे में कि जामिया आपके स्कॉलरशिप भी देती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो हम नोटिस को देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, नोटिस से रूबरू हो जाते हैं कि आखिर नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है ये स्कॉलरशिप आपकी 24-25 सेशन वालों के लिए है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया जाता है, ठीक है, जो स्कॉलरशिप आपको चाहिए होगी इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया जाता है। रेगुलर एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, जो डिप्लोमा के हैं रेगुलर वाले, जो यूजी में है, जो पीजी में है, जो स्कूल के एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं 24-25 सेशन वाले, ठीक है। स्कॉलरशिप जो है वो आपको मेरिट का मींस बेसिस पे दिया जाएगा, मेरिट के बेस पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो है वो आपको फिल किया जाएगा आपको इस वेबसाइट पे, दैट इज़ www.aajmi.com.in.co.in, ठीक है। ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपका ओनली इन बिटवीन 9 से 20 तारीख तक का टाइम है आपके पास, 9 से 20 तारीख तक का टाइम है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, स्कूल वाले हैं, डिप्लोमा के हैं, यूजी पीजी स्कूल वाले हैं, ठीक है, डिस्टेंस वालों के लिए ये नहीं है। तो आप लोग एलिजिबल हैं तो इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। नोट में देख लेते हैं क्या नोट है। दोज हु आर अवेलिंग एनी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कोई है जिसने अप्लाई किया है अभी भी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में, तो उसको भी मेंशन करना है आपको फॉर्म में कि हमने यहाँ पर भी स्कॉलरशिप को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। देन उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स की बात है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? आपके जो भी लास्ट एग्जाम की मार्कशीट होगी, मान लो यूजी वाले हैं तो 12th की लगेगी, ठीक है, पीजी वाले हैं तो आपकी बीए जो आपने बैचलर की होगी उसकी लगेगी, ठीक है। एडमिशन की फीस स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए, जो आपने एडमिशन किया होगा किसी भी कोर्स में, यूजी पीजी स्कूल, ठीक है, या डिप्लोमा, ठीक है, आपने किया होगा तो फीस स्लिप होगी आपके पास, वो चाहिए। देन उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा जामिया का आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड चाहिए। देखो अभी किसी के पास क्या पता ना आया हो आइडेंटिटी कार्ड, तो आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी, तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए जब जामिया इतना सब कुछ दे ही रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट में, और ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी, एंड मिलते हैं फिर से, ठीक है, बाय बाय।